हमारी जम्मू कश्मीर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो एक रोजा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है, इसमें हमने न्यू बॉडी जो है वहाँ पर आज बनाई गई है, जिसमें हमारे जेपी सिंह जी प्रेसिडेंट हैं, अतुल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी साथी हैं। इसमें कुछ मुद्दे हैं जो उन मुद्दों पर हमारे असलम जी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये बात करेंगे। थैंक यू सुधर साहब। आज हमने लेबोरेटरी एसोसिएशन की नई बॉडी बनाई है, जिसमें हमें जेपी सिंह को प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर किया गया, उसके साथ बॉडी फ्रेम की है। जय विकास गुप्ता को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जितेंद्र पाल को भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और इसके साथ हमने एक एसोसिएशन की बॉडी बनाई है, जिसमें हमारे मेन जो है वो डिमांड्स हैं। पहली डिमांड्स तो हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन तो कर दी है न्यू पीएससी, और न्यू पीएससी में काम भी चल रहा है, लेकिन उसमें लेबोरेटरी की पोस्ट नहीं है, जिसका लोड जो है वो मतलब लोगों पर भी पड़ रहा है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन पर भी पड़ रहा है। जैसे कि जिस पोस्ट जहां पीएससी में पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, वहां पे बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि दूसरी पीएससी का काम भी उसी पीएससी में आता है। एक तो ये हमारी मेन डिमांड है। दूसरी जो हमारी डिमांड है कि पोस्टों को क्रिएशन किया जाए, नई पोस्टें दी जाए हमें, क्योंकि 2009 के बाद जो हमारी पोस्टें थी, जो हमारे गवर्नमेंट ने आर्डर 2009 में किया था, वो पोस्टें भी हमारी फिलअप नहीं की हैं। जैसे कि हमारी सुपरवाइजर की पोस्टें जो बढ़ती हैं 22 हैं और श्रीनगर में 23 हैं, टोटल 45 पोस्टें हैं। 22 हमारे जम्मू को दी गई हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो फिलअप की हुई हैं, लेकिन 7 पोस्टें वो भी हमारी पीछे वैकेंट रखी हुई हैं। अब हमें पता नहीं है कि वो पोस्टें कहाँ अबॉलिश की हैं, ख़त्म कर दी हैं, क्या है क्या नहीं। हम प्रेस की तरफ से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि वो पोस्टें भी हमारे फिलअप की जाए। तीसरा, रिवीजन ऑफ ग्रेड पे जो है हर लेबोरेटरी टेक्नीशियन को मतलब दिया जाए, जो 7th पे कमीशन में रिकमेंड हुआ था वो हमें दिया जाए, क्योंकि वो हमें मिला नहीं है। इसके साथ साथ ही मैं सुदन जी से कहना चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा अपना रखें। सर, कुछ डिमांडें जो हमारे चौधरी असलम जी ने यहाँ पर उजागर की हैं, उसमें मेन डिमांड है कि 2009 में कुछ पोस्टें जो थी वो जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई लेबोरेटरी की, तो उसमें पूरी पोस्टें भरी नहीं गई हैं, और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी वो हमारे पास जो दिल्ली का आर्डर है उसमें इनका ग्रेड जो है बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर यूटी जो है बहुत ग्रेड कम दे रही है। इसके साथ साथ जो रिस्क अलाउंस की बात है, रिस्क अलाउंस एक मेन, जो भी मेडिकल एजुकेशन में हेल्थ में काम करता है हर आदमी रिस्क में है। हमारे सिर्फ एक्सरे जो टेक्नीशियन है उनको रिस्क अलाउंस मिलता है, बाकी किसी कैटेगरी को नहीं मिलता, और इनका जो काम है ये ब्लड के साथ डायरेक्ट टच होते हैं, तो जो रिस्क अलाउंस जो है, हालांकि 1992 में एक गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा किया था कि हम रिस्क अलाउंस जो मेडिकल एम्प्लॉयज को देंगे, मगर वो आज तक वादा जो आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। मैं गवर्नमेंट को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वादे को पूरा करते हुए जो हमारा रिस्क अलाउंस है वो दिया जाए, और जो हमारी डिमांड्स हैं अगर गवर्नमेंट जल्दी से इन पर कुछ नहीं करती, तो आने वाले दिनों में आज हमने एक नई बॉडी बनाई है, फिर उसकी मीटिंग्स होगी, फिर हमारा जो प्रोग्राम है अगर कोई बात नहीं बनती, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके बात करें, जब ना बनी तो उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ तो फिर स्ट्रगल है, जो हम स्ट्रगल करेंगे उसकी जो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी।